नहीं नहीं यार, मैं नहीं आऊंगा न्यू ईयर पार्टी पे। नहीं, अंग्रेजों के चौचले मेरे को पसंद नहीं है, तुझे तो पता ही है। नहीं यार, फैमिली का भी कोई प्लान नहीं है। ना ना, हम नहीं आने वाले। किसने कहा फैमिली को नहीं जाना है? हर साल का इनका यही ड्रामा है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कहीं नहीं लेके जाते हैं ये। मुझसे तो पूछ लिया होता एक बार। ये शक्ल पे 12 क्यों बजा रखी है? और मन ही मन क्या बड़बड़ा रही हो? जो भी बोलना है खुल के बोलो। मन ही मन ना बड़बड़ाऊं तो क्या करूं? हमेशा अपनी मन की ही चलाते हो। कभी सुनी है मेरी? कब नहीं सुनी तुम्हारी? और कौन सा काम तुमसे बिना पूछे कर दिया? यूं मन में बड़बड़ाने से तो मुझे पता चलेगा नहीं, मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं। साफ साफ कहो बात क्या है। इतने भोले भी मत बनो, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और बताने से होगा क्या? कौन सा तुम मेरी मान लोगे? करोगे तो अपने मन की ना। जाओ, नहीं बता रही मैं। अरे सुनो तो, पता नहीं किस बात में नाराज हो गई। इन औरतों का भी ना पता नहीं चलता कब नाराज हो जाती है कब राजी हो जाती है। न्यू ईयर पार्टी में खुद को भी इंटरेस्ट नहीं है और फैमिली को भी नहीं जाने देंगे। और ऊपर से कहते हैं कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। फिर से यूँ बड़बड़ाने लग गई तुम। या तो साफ साफ बोल दो कि माजरा क्या है, वरना ये फुसफुस करना बंद कर दो। तो फिर सुनो, तुमने अपने दोस्त को मना क्यों किया न्यू ईयर पार्टी में जाने के लिए? अगर तुम्हें नहीं जाना है तो तुम मत जाओ। परिवार वालों को तो सोचो, हमारा तो मन करता है ना जाने का न्यू ईयर पार्टी में। और पिछले 2 सालों से तुम यही कर रहे हो, हमेशा मना कर देते हो, कहीं पर भी सेलिब्रेट करने के लिए लेके नहीं जाते हो। कौन सा न्यू ईयर और कैसा न्यू ईयर? ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए चौचले हैं। और हमारा नया साल कब से 1 जनवरी को आने लग गया? हो गया धर्मगुरु का ज्ञान शुरू। मुझे तो पता ही था तुम्हारा यही रोना लेकर तुम आओगे मेरे सामने। उनका नया साल अलग, हमारा नया साल अलग। जब देखो तब तुम्हारा यही ड्रामा चालू हो जाता है। अरे पूरी दुनिया पागल है जो 1 जनवरी को नया साल मनाती है। पूरी दुनिया तो कुएं में कूदेगी, तुम भी कूदोगी क्या? हाँ कूदूंगी, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है मतलब करना है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अच्छा चलो, मैं खुद तुम्हें न्यू ईयर की पार्टी में लेके जाऊंगा, मगर मुझे सिर्फ एक अच्छी चीज बता दो जो ये अंग्रेजों के नए साल में होती है। अरे सब कुछ अच्छा अच्छा ही तो है। सब लोग मिलते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, नया साल आने की खुशी में सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या करते हो उस पार्टी में? दारू पीते हो, ड्रग्स लेते हो, नशे में धुत हो जाते हो। एंजॉयमेंट और फ्रीडम के नाम पे लड़कियां अभद्र कपड़े पहन के आती है। कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ नाच रहा है, कौन किसे हाथ लगा रहा है, और मर्यादा का तो कोई भान ही नहीं है। अगर इस नए साल को तुम अच्छा कहते हो ना, तो तू ऐसे नए साल पे अच्छा है, मैंने आज तक ऐसा नया साल नहीं मनाया, और गर्व है मुझे अपनी सनातन संस्कृति पे जिसका नया साल ऐसा घटिया नहीं होता है। एंजॉयमेंट तो ऐसे ही होता है। जरा आप ही बता दो मुझे, सनातन धर्म के नए साल में होता क्या है? आखिर मैं भी तो जानूं। और आता कब है तुम्हारा नया साल? तुम्हारे अंग्रेजों के नए साल की तरह आधी रात को शुरू नहीं होता है हमारा नया साल। सूर्योदय के साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन नवरात्रा स्थापना के साथ शुरू होता है हमारा नया साल। माता पिता को प्रणाम करके, भगवान का पूजन करके, गो माता को चारा खिला के, गरीबों में दान दे के, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करके मनाया जाता है हमारा नया साल। तुम्हारे अंग्रेजों के जैसे नहीं, दारू पी के कौन किसकी बाहों में पड़ा है किसी को होश ही नहीं है। और बताऊं, हमारे नववर्ष को सिर्फ सनातन धर्म के लोग ही नहीं, पूरी प्रकृति मनाती है। बसंत ऋतु के समय पत्ते नए आते हैं, फूल नए आते हैं, पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है और पवित्र हो जाता है। और उसके साथ ही साथ हमारे नववर्ष की शुभकामनाएं दिन के उजाले में दी जाती है, रात को निशाचर की तरह नहीं। हैप्पी न्यू ईयर। ये तो हो गए प्राकृतिक बदलाव। अब इसके साथ साथ सुन लो धार्मिक और सांस्कृतिक कारण नववर्ष मनाने के लिए। इसी दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू करी थी। रामनवमी के दिन राम जी का जन्मदिन होता है, उससे 9 दिन पहले राम जी का महोत्सव शुरू होता है। उसके साथ साथ चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, प्रभु श्री राम और राजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। कौन सा नया साल मनाएंगे, शराबी और नशेड़ियों का 1 जनवरी को, या हमारा सनातन धर्म का गौरवान्वित करने वाला नव वर्ष? जयराम जी की।